सीएम शिवराज ने भोपाल वासियों को सौगात दी। आपको बता दें, सीएम ने राजधानी में सुभाष नगर आरओबी का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया और आजाद हिंद फौज कॉन्सेप्ट पार्क का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुली जीप में सवार होकर आरओबी का अवलोकन किया, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिवादन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक कृष्णा गौर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया और जबलपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" का नारा दिया था। वहीं कांग्रेस सरकार ने सुभाष बाबू के साथ न्याय नहीं किया। आजादी दिलाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अविस्मरणीय योगदान है। आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने न्याय नहीं दिलवाया। नेताजी ने एक नारा लगाया था बड़ा प्रसिद्ध, "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। आज मैं आप सभी के सामने और शिवराज जी के सामने कहना चाहता हूं, अभी हमें कोई सीमा पर जंग नहीं लड़ना। देश को आजाद नहीं करवाना, देश को विकास के रास्ते पर ले जाना। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, हम एक नया नारा गढ़ेंगे और शिवराज जी की तरफ से गढ़ेंगे, आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं तुम्हें विकास दूंगा, विकास के सिवा कुछ नहीं। ऐसे आशीर्वाद की इच्छा और आकांक्षा लेके आज हम सभी लोग आपके बीच में आए हैं। तो रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण में जब यहां से निकलता था, मैं देखता था दर्जन वाहन फंसे हुए। कभी कभी तो यहां पर बीमार लोग, बहुत ही आवश्यक कार्य में जाने वाले लोग ऐसे फंसे रहते थे कि उनके घंटों बर्बाद हो जाते थे। आज वो शुभ दिन आया है, समय सीमा में पुल कुछ व्यवधानों के चलते हुए पूरा किया गया, लगभग 29 करोड़ रुपए की लागत से। भोपाल नगर हमारे हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत शहरों में। मैं जब 38 साल पहले विधायक बना था, तो विधायक बने या स्मरण है, जब मैं आता था तो सिर्फ एक आरओबी था, एक रेलवे ओवरब्रिज था, वो भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 1 से, और आपने देखा होगा भारत आगे तक जोड़ता था। इसके अलावा भोपाल में कोई भी आरओबी नहीं था। आप सभी को याद होगा जो कि आज 5 आरओबी यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं और उससे भी ज्यादा आरओबी हमारे पूरे भोपाल शहर में बन रहे हैं। यह हमारे लिए शान की बात। फ्लाई ओवर बन रहे, भोपाल निरंतर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। कुमला के हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट शहरों में आज भोपाल का हमारा नाम है। तो इसके लिए वास्तव में आपका आशीर्वाद जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मिला, जो हमारे मुख्यमंत्री हम सभी के लिए मिला, यही भोपाल की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए और इसके आधुनिकीकरण के लिए। प्रधानमंत्री जी आए थे और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम शाबाशी देते हैं भोपाल के लिए। तो आप भोपाल के बाशिंदे सभी लोग शाबाशी के पात्र हैं। ये सौगात जो आपके लिए है, मैं तो एक कल्पना करता हूँ कि एक नंबर मिला इंदौर के लिए, तो एक बार ओवरटेक करके भोपाल आगे जाएगा और इंदौर के आगे जाके आप सभी एक नंबर पर आएंगे, यही मेरी कल्पना है। ये सब विकास के काम जो है आपके लिए समर्पित है। सबसे पहले नेताजी के चरणों में प्रणाम। भारत माता के ऐसे अमर सपूत कि जिन्होंने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। और लोकप्रिय इतने थे नेताजी कि जबलपुर में त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे, ये इतिहास में दर्ज है, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीता रमैया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस बावजूद उसके भारी बहुमत से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए जबलपुर में। और जनता इतनी उत्साहित थी कि 52 तो हाथी मंगाए थे नेताजी के जुलूस के लिए,
क्योंकि अंग्रेज देश को बांटने का काम कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तब नेताजी ने तय किया कि अंग्रेजों को अगर हिंदुस्तान की सरजमी से खदेड़ना है तो केवल अहिंसा से काम नहीं चलेगा। उन्होंने क्रांति का शंखनाद किया और उस समय उन्होंने वो मंत्र दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, अरे जोर से बोलो, मैं तुम्हें, नेताजी ने ये कहा। और उनके आह्वान पे हजारों पूर्व सैनिक आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। और आज मुझे कहते हुए गर्व है 23 जनवरी को उनके जन्मदिन के दिन कि आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पे हमला किया और अंडमान निकोबार हो चाहे मणिपुर हो, सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया तो नेताजी सुभाष बाबू की आज आजाद हिंद फौज ने। और जब नेताजी को पैसे की जरूरत पड़ी सेना के संचालन के लिए, आजाद हिंद फौज के लिए, और उन्हें आह्वान किया तो माताओं बहनों ने अपने जेवर और गहने निकाल निकाल के झोली में डाल दिए कि नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। कांग्रेस की सरकार ने सुभाष बाबू के साथ न्याय नहीं किया। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। और आजादी के बाद भी तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने नेताजी के साथ न्याय नहीं किया, क्रांतिकारियों के साथ न्याय नहीं किया। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनकी लहू से मिली थी आजादी वतन, और जगमगा रहे थे मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। और मुझे कहते हो गर्व है कि आजादी के बाद अगर क्रांतिकारियों के साथ न्याय किया या तो अटल जी की सरकार ने किया या मोदी जी की सरकार ने किया।